उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रईस जादों की नशेबाजी सड़क किनारे सो रहे लोगों पर भारी पड़ी है। दो युवकों ने नशेबाजी में रैनबसेरे में गाड़ी घुसा दी, जिसमें चार मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दरअसल लखनऊ में बीती रात करीब 1:30 बजे नशे में धुत रईस जादों की कार सड़क किनारे एक रैनबसेरे में घुस गई, जिसमें चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लखनऊ के हजरतगंज में बहुखंडी मंत्री आवास के सामने बने रैनबसेरे में हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों में से एक पूर्व विधायक अशोक रावत का बेटा है, जबकि एक उद्योगपति का बेटा है। घटना पर मौजूद लोगों ने बताया कि डीजीपी आवास की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार रैनबसेरे की लोहे की पाइप तोड़ते हुए अंदर घुस गई और वहां सो रहे लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। हालांकि हादसे के दौरान करीब 80 से भी ज्यादा मजदूर रैनबसेरे में मौजूद थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक छोटी सी गलती ने कई लोगों की जान ले ली। पता नहीं कब तक रईस जादों की बेलगाम रफ्तार इस तरह लोगों की जान लेती रहेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।